वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ फिजिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजुदा। स्टूडेंट वी गेटिंग द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर चैप्टर नंबर टू यूनिट नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चैप्टर नंबर टू? दैट मीन्स अ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर टू पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वी टेकिंग द कैपेसिटेंस टूडे। We have the question, energy of a charge conductor. What is the mean of this sentence? आज हम एक derivation drive करेंगे, drive a derivation to determine the energy of charge conductor in. देखिए board exam में ये question ऐसे भी पूछा जाता है, U is a directly proportional of V square. What is the mean of the U? U that means a energy of charge conductor is a directly proportional of the square of potential difference. मतलब ये exam में paper में question कैसा आएगा? Prove that energy of charge conductor is a directly proportional of the square of potential difference. ठीक है, अब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें कहीं पे भी चार्ज कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये नहीं बोला गया है कि चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या एक प्लेन शीट के फॉर्म में है। तो लेट बी कंसिडर आ एनी चार्ज कंडक्टर। मान लीजिए कोई एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, ये कैसा है सर? आपको देखने में ये कैसा दिख रहा होगा? ये दिख रहा होगा सर स्फेरिकल, बट मैं बोल रहा हूँ लेट बी कंसिडर आ एनी चार्ज कंडक्टर विच कंसिस्ट आ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल ऑफ प्लस क्यू एंड टोटल वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ डब्ल्यू एंड टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ वी। लेट बी कंसिडर आ एनी पॉइंट विच कंसिस्ट एनी टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। स्टूडेंट नाउ फिर से ध्यान से समझेंगे हम क्या बोल रहे हैं। वी हैव टू प्रूफ एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी, ठीक है, अभी तक मैंने एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। वी नो दैट अबाउट द वर्क डन, वी नो दैट अबाउट द पोटेंशियल, बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन पोटेंशियल एंड एनर्जी? मुझे प्रूव करना है द एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वेयर ऑफ पोटेंशियल। लेट वी कंसिडर आ एनी चार्ज कंडक्टर। मत देखिए सर कि ये स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या प्लेन शीट है, ये कुछ भी हो सकता है। ये सभी चार्ज कंडक्टर के लिए यूनिवर्सली ट्रू सेंटेंस है। लेट बी कंसिडर आ एनी चार्ज कंडक्टर, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ डब्ल्यू एंड पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ वी एंड अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज विल बी इक्वल ऑफ प्लस क्यू। लेट बी कंसिडर पी, मान लीजिए पी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है विच कंसिस्ट आ एनी टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल ऑफ प्लस क्यू। स्टूडेंट ठीक है, वी स्टार्ट विद द सोल्यूशन विद द प्रिंसिपल। द वर्क डन, फर्स्ट लाइन ध्यान से देखिए, द वर्क डन, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क डन? दैट मीन्स अ डब्ल्यू। द वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ द कैपेसिटर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये पहली बात ये बता रहे हैं कि वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स अ डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ ई। दैट इज द प्रिंसिपल, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट व्हाट इज द मीन ऑफ द एनर्जी? This energy is called electrostatic potential. This energy is called electrostatic potential. मतलब indirectly मैं बोल सकता हूँ work done will be equal of electrostatic potential. Student, I repeat my sentence. What is the principle of this question? The work done will be equal of total amount of energy which is stored. And energy, what is the mean of the energy? Energy are known as the electrostatic energy. मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, work done are known as the electrostatic potential. That means a W will be equal of V. Student, ठीक है, mathematical portion of the question जो कि बहुत ज़्यादा important होता है, that means a derivation. Let we consider any capacitor. मैं ये नहीं बता रहा हूँ capacitor कैसा है, बट लेट वी कंसिडर आ एनी कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल सी। कैपेसिटेंस कितना हो गया? कैपिटल सी। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, लेट अस कंसिडर अबाउट द कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर सी। मतलब कोई एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? कैपिटल सी, विच इज गिवन द चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल ऑफ प्लस क्यू ड्यू टू विच द पोटेंशियल बिकम, ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पर जो बात लिखी है, ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? पोटेंशियल
डेवलप बाय द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, लेट वी कंसिडर अ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल ऑफ प्लस क्यू सच दैट टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ वी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल, या बोल सकता हूँ वर्क डन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स व्हेन चार्ज विल बी इंक्रीज द वर्क डन विल बी इंक्रीज, अदरवाइज चार्ज विल बी डिक्रीज देन वर्क डन विल बी डिक्रीज। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बताऊंगा, चार्ज अगर जो बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा, और चार्ज अगर जो डिक्रीज होगा तो वर्क डन भी डिक्रीज होगा। वी हैव टू प्रूव द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वेयर ऑफ पोटेंशियल। मुझे प्रूव करना है यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वेयर। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग सिंपली बाय बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी will be equal of Q by V. What is the mean of the C? C that means the amount of capacitance, Q that means a small amount of charge, and V that means a potential. तो C equal to कितना मिल चुका मुझे Q by V. We have to find the value of V. V मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ Q by C equation number first. इतना समझ आया क्या? C equal to Q by V. कितना बोला student? C equal to Q by V, the value of the capacitance is a ratio between the amount of charge and potential, then we getting the V equal to Q by C by definition of the potential. But हमने यहाँ पर एक छोटी सी definition देखी है, by definition of potential we can write V equal to W by Q. Student, V equals to W by Q. What is the mean of the V? V that means the potential. जब मैंने सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था और पोटेंशियल बताया था, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल, इफ वी कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आर नोन एज, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आर नोन एज द पोटेंशियल। मैंने कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन बताई थी, when any positive charge, when we carry any positive charge from infinity to any point of electric field, our total amount of work done are known as the total amount of potential. मतलब कहीं ना कहीं V equal to क्या होता है? W by Q. W, what is the mean of the W? W that means our total work done, and Q that means our वो charge जिसको उठा के हम infinity से ला रहे हैं। ये था potential, और potential difference मतलब क्या होता है? Same thing. पर पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों पॉइंट कहां पर होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट सो वी गेटिंग वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, बट हम यहां पर अगर जो स्मॉल अमाउंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट डी क्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेटिंग डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट By the use of the equation number second, we getting dW equal to V into dQ. dW will be equal of V into dQ. Student, ध्यान से देखिएगा, we replace the value of the potential by use of the equation number first. तो सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा by using equation number first. V की प्लेस पे हम कितना पुट कर सकते हैं? V की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं Q by C. ठीक है, चलिए dW दैट मीन्स अ वर्क डन बट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट इज द मीन ऑफ द नेट। जब भी मैं टोटल की बात करता हूँ फिजिक्स में, दैट मीन्स वी टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। अब जब भी आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे फिजिक्स में, तो आप वहीं पर लिमिट की भी बात कीजिएगा, लिमिट व्हाट इज द मीन ऑफ द लिमिट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट मीन्स अ लिमिट इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू दैट मीन्स अ लिमिट इन द फॉर्म ऑफ क्यू। बिल्कुल सही बात है सर। फिजिक्स, अगर जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन है तो ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। इनिशियल टाइम में डी डब्ल्यू दैट मीन्स अ वर्क डन, किसी भी फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ये डेरिवेशन करना स्टार्ट करा था तो बिल्कुल इनिशियल टाइम में वर्क डन कितना होगा? जब कुछ चीज चालू ही नहीं करी सर, तो वर्क विल बी इक्वल ऑफ जीरो। सो इनिशियल टाइम में वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ जीरो, एंड फाइनली वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ डब्ल्यू।
बट डी क्यू, वॉट इज द मीन ऑफ द डी क्यू, दैट मीन्स अ चार्ज, बिल्कुल इनिशियल टाइम में चार्ज विल बी इक्वल ऑफ जीरो एंड फाइनली चार्ज विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव क्यू। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है सर, यहाँ पर हमने क्यों जीरो टू डब्ल्यू लिखा और यहाँ जीरो टू क्यू, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट मीन्स अ लिमिट इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू दैट मीन्स अ लिमिट इन द फॉर्म ऑफ क्यू। नाउ वी टेकिंग अ सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू वाई, सो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ डब्ल्यू। बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जब भी हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, व्हेन वी टेकिंग द पार्शियल इंटीग्रेशन, फर्स्टली सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब क्यू वाला अंदर बाकी सब एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, देन वी गेटिंग क्यू क्यू एंड डी क्यू। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू वाई, सो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ डब्ल्यू एंड लिमिट जीरो टू डब्ल्यू। स्टूडेंट वन बाई सी इज अ कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर जो चीज होने जा रही है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर जो आप चाहते हैं फॉर्मूला यहीं पे लिख दो तो यहीं पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल बाय एन प्लस वन। स्टूडेंट वॉट इज द मीन ऑफ द एन, एन दैट मीन्स एनी नेचुरल नंबर, सर उसको आप नेचुरल नंबर बोलेंगे, उसको होल नंबर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर q की पावर कितने लिखी है, वन, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ठीक है, q टू द पावर, ठीक है, नंबर वन प्लस वन होल बाय वन प्लस वन, और यहाँ पर लिमिट हो गई है जीरो से लेकर q। स्टूडेंट दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का हो चुका था डब्ल्यू और ये आ चुका है जीरो टू डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ वन बाई सी, ठीक है, क्यू होल पावर वन प्लस वन, वन प्लस वन दैट मीन्स वन प्लस वन दैट मीन्स टू बाई टू, और ये हो चुका है जीरो टू कैपिटल क्यू। बट यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू ऐसा ही लिखा हुआ, ये जीरो टू डब्ल्यू है, ये हो गया वन बाय सी, और यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं जो चीज़ सीखूंगा वो मैथमेटिक्स है, वो फिजिक्स नहीं है। जब भी हम इंटीग्रेशन को सोल्व करके लिमिट को पुट करते हैं, व्हेन वी पुट वी हैव टू पुट द लिमिट आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डी क्यू दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यू इन द प्लेस ऑफ क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू था मतलब मुझे लिमिट को क्यू की प्लेस पर रखनी है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्यू से मतलब होना चाहिए, ये टू एज अ कॉन्स्टेंट बाहर चले जाएगा। ओके, बात समझ आ रही है? अब ठीक है, हाउ टू सोल्व द इंटीग्रेशन लिमिट, लिमिट कैसे पुट करते हैं, इंटीग्रेशन डी क्यू दैट मीन्स अ लिमिट इन द प्लेस ऑफ क्यू, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट मीन्स अ लिमिट इन द प्लेस ऑफ डब्ल्यू, तो कहीं ना कहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू वन बाय टू सी, अपर लिमिट दैट मीन्स अ क्यू स्क्वेयर एंड जीरो, ठीक है, डब्ल्यू माइनस जीरो, W माइनस जीरो विल बी इक्वल ऑफ W एंड वन बाई टू सी एंड क्यू स्क्वेयर। बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द वर्क डन इन अ चार्जिंग कंडक्टर इज अ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ W विल बी इक्वल ऑफ U, सो W विल बी इक्वल ऑफ U, दैट मीन्स U विल बी इक्वल ऑफ 1 बाई टू सी इंटू क्यू स्क्वेयर। बट स्टूडेंट वी हैव टू प्रूव U इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ V स्क्वेयर, आप मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास आ चुका U इक्वल टू 1 बाई टू सी इंटू क्यू स्क्वेयर, बट मुझे क्या प्रूव करना, U इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V स्क्वेयर। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फिर से बात बता रहा हूँ, ठीक है, Q इक्वल टू कितना होता है जल्दी से बनता है मुझे, ठीक है, याली डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर आपने लिखा है V इक्वल टू Q बाई सी, V विल बी इक्वल ऑफ Q बाई सी बाय यूज ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैं राइट इन द फॉर्म Q विल बी इक्वल ऑफ V C। आपको मेरी बात समझ आ रही है, फिर से देख लीजिए भले चाहिए ये, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ बाय द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल V विल बी इक्वल ऑफ Q बाई सी, सो बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज Q विल बी इक्वल ऑफ वी सी। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q विल बी इक्वल ऑफ वी सी होल स्क्वेयर सच दैट वी विल बी इक्वल ऑफ वन बाई टू सी होल स्क्वेयर दैट मीन्स वी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर।
वन सी कैंसल बाय द वन सी, देन वी बी गेटिंग, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, सच देट यू विल बी इक्वल वन बाई टू सी वी स्क्वेयर, वन बाई टू सी वी स्क्वेयर, ये हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हो चुका है एनर्जी के लिए, बट हियर वन बाई टू सी विल बी इक्वल ऑफ कॉन्स्टेंट, सच देट यू विल बी इक्वल ऑफ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट है मतलब समझ लीजिए के, ठीक है, आपने ये सुना है प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कॉन्स्टेंट लगता है, और कॉन्स्टेंट हटेगा दैट मीन्स प्रोपोर्शनल लगेगा, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल, वन मोर टाइम पूरा डेरिवेशन एक बार ध्यान से देख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूफ यू इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वी स्क्वायर, यू यू दैट मीन्स अ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वी दैट मीन्स अ टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। स्टूडेंट सबसे पहले हमने चालू करा यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू बाई बी, देन बी विल बी इक्वल ऑफ क्यू बाई सी, हमने बी की वैल्यू क्यों निकाली ताकि हम यहाँ पर पुट कर सके, बाय द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है स्मॉल अमाउंट में हमने चेंज करा, देन वी टेकिंग द डी, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई, देन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ वी इंटू डी क्यू, वी पुट द वैल्यू ऑफ वी बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेटिंग डी डब्ल्यू इक्वल टू Q by C into dQ, but यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है dW, but हमको क्या निकालना है work done, that means a total, total amount of work done या तो net amount of work done, that means a taking integration in both side, here dW that means a limit in the form of W, dQ that means a limit in the form of Q, now integration dW will be equal of W, in integration dQ, यहाँ पर एक छोटा सा formula लगा, integration x to the power n dx will be equal of x to the power n plus 1 whole by n plus 1, what is the mean of this sentence, यहाँ पर q की power कितनी है student, कुछ नहीं that means a 1, so integration solve होगा तो power plus 1 upon में 1 plus 1, so q 1 plus 1 will be equal of q square by 2, ठीक है integration dq that means we have to put the limit in the place of q, तो मैंने q वाले को अंदर छोड़ा बाकी सब मैंने बाहर ले लिया ताकि मुझे simple integration मिले, ठीक है वी पुट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू की प्लेस पे एक बार क्यू और क्यू की प्लेस पर एक बार जीरो, सो क्यू क्यू स्क्वेयर माइनस जीरो विल बी इक्वल ऑफ क्यू, नाउ अगेन बाय द यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी नो दैट सी इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई कैपिटल वी, देन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, ध्यान से देखिए एक बार और सी इक्वल टू क्यू बाई वी, देन क्यू विल बी इक्वल ऑफ सी वी, सो we have to put the value of q will be equal of vc, q ki place pe humne rakha vc whole square, then v square c square, 1c cancel by the 1c, then finally we getting u equal to 1 by 2 cv square, student this is a expression for energy of any charge conductor, agar jo aapse pucha hai energy of charge conductor sirf itna pucha hai exam mein, तो आपको क्या लिखना है u will be equal of 1 by 2 cv square, but अगर जो आपसे पूछा है you have to prove u square directly proportional v square, तो सर हम सिंपल सा बोलेंगे 1 by 2 c, what is the mean c, c मैंने कल बताया था, जैसे मान लीजिए कि एक आपकी बाल्टी है तो आप उसमें कितना पानी रखेंगे, तो सर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर, मतलब कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर 1/2 एक नंबर है तो वो भी कॉन्स्टेंट होगा और सी भी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होगा, दैट मीन्स 1/2 सी होल इज अ कॉन्स्टेंट, सो यू विल बी इक्वल ऑफ के इंटू वी स्क्वेयर, प्रोपोर्शनल हटता है तो कॉन्स्टेंट लगता है एंड कॉन्स्टेंट हटता है तो क्या लगता है प्रोपोर्शनल, आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सोल्यूशन रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ रिप्रेजेंटेटिव शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।